तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस सीरीज के बारे में, जिसके अंदर चार एपिसोड रिलीज किए गए हैं और ये चारों जो है वो अलग अलग हैं। हर एक एपिसोड एक एक घंटे का है। अलग अलग का मतलब है कोई भी एपिसोड किसी दूसरे एपिसोड से लिंक नहीं है, यानी अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। पर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग इन चारों एपिसोड को एक साथ देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतना सर में दर्द हो जाएगा कि यार आपसे सहन नहीं होगा। और जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे तो बस आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार क्यों देख रहा हूं ये सब चीजें मैं, मतलब क्यों मुझे इन चीजों को टॉलरेट करने की जरूरत आन पड़ी है। नेटफ्लिक्स इंडिया पर क्या पहले कम कचरा था कि और ज्यादा कचरा डाल दिया गया। खैर छोड़ो, एक एक करके इन एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, और इस एपिसोड के अंदर आपको मेन रोल में नजर आएंगे अली फैजल, जिन्होंने इस्पित नायर का रोल प्ले किया। काफी ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है और इसके अंदर जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि कुछ भी चीजें भूलता नहीं है। हर एक चीज इसको याद है, हर एक की डेट ऑफ बर्थ हो गया, हर एक का फोन नंबर, हर चीज इसको याद रहती है। और फिर यहां पर एक मोड ऐसा आता है कि इसको एक लेडी मिलती है होटल के अंदर, जहां पर इसको कहती है कि वो उसे जानती है, लेकिन इस्पित इसको याद करने की कोशिश करता है और इसको याद नहीं आता। तो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी को भूल जाऊं, लेकिन ये लेडी जो है वो कुछ ऐसे प्रूफ इसको दिखाती है कि हां भाई ये मिले थे, लेकिन इसको याद नहीं आता। तो इसको ऐसा लगता है कि इस्पित को एक इसकी याददाश्त कहीं ना कहीं गुम हो गई है। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए तो आप लोगों को ये एपिसोड देखना पड़ेगा। खैर सच बताऊं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है यार एपिसोड देखने की। दरअसल स्टार्टिंग में तो ये एपिसोड आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद ये आप लोगों को इतना ज्यादा बोर करने लगेगा, बस आप यही जाओगे कि यार जल्दी से इसका कंक्लूजन या फिर कहीं इसका रिजल्ट बता दो कि एक्चुअल में स्टोरी चल क्या रही है, हमें बस इसका आखिरी हिस्सा दिखा दो। क्योंकि जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है भाई साहब, इतना ज्यादा बोरिंग है, इसको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। और फिर इसके बाद जो लास्ट में इसके सस्पेंस खुलने लगते हैं, तो फिर ये यकीन करना कि सच में ये सस्पेंस है, इसके लिए वेट किया था हमने। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसके मेकर्स ने क्या सोचकर इसको बनाया, क्या एंटरटेन करने के लिए या सर में दर्द करने के लिए। मेरी तरफ से इस एपिसोड को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10 stars। तो अब आते हैं सेकंड एपिसोड के ऊपर, जिसका नाम है भैरूपिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग मेकअप है। इस एपिसोड के अंदर आपको मेन रोल में नजर आएंगे के मेनन, जिन्होंने एक इंद्रसी शाह नाम का एक करेक्टर प्ले किया है, जो एक आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, और बहुत ज्यादा डरपोक का बहुत कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन यार उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी को कुछ कह पाए, अपने दिल की बात कह पाए, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और अपनी इस वजह का, इस सिचुएशन का वजह जो है वो कारण जो वो भगवान को कोसता रहता है कि भगवान देख तेरी वजह से मैं ऐसा हो गया, तू तो खुश हो गया होगा। तो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो मेकअप का सहारा लेता है, अपना एक नकली फेस बनाता है, और लोगों को वो पहचान में नहीं आता, तभी तो इसका नाम भैरूपिया रखा गया। तो देखो यार स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा लगता है कि भैया हाँ ये अब फेस बदलेगा, अपना रूप बदल के बाहर जाएगा। और सच कहूं यार इतना जबरदस्त मुझे वो मेकअप लगा है, यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो मेकअप किया हुआ इतना बढ़िया किया। देखो जो अच्छी चीज है उसके बारे में तारीफ करना तो बनता है यार। और ये करने के बाद इसकी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है वो सब चीजें इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई हैं। सच कहूं ये वाला जो एपिसोड है पहले वाले एपिसोड का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है बोर करने के मामले में। इसका जो लास्ट का जो सीन दिखाया गया है कि भैया हाँ लास्ट में इसके साथ जो इंद्रशीष शाह इसके साथ ऐसा दिखाया गया है, जो भी चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं यार, उसको कोई भी जरूरत नहीं थी। क्या वो डराने के पर्पज पे था, क्या उसको देख के डर जाएंगे या फिर क्या एंटरटेन हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी इलॉजिकल चीज लगती है यार कि वो क्यों डाली गई है। और इसके अंदर एक बाबा और इंद्रशीष की जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है उसको अगर आप लॉजिकली देखो, उसका आप सिग्निफिकेंट मतलब कि इंपॉर्टेंस देखो कि क्या जरूरत थी इसको, कुछ भी नहीं मिलेगा यार। इलॉजिकल तरीके से बिना वजह की वो चीजें जबरदस्ती वहां पर घुसेड़ी गई हैं। स्टार्टिंग में तो ठीक था, हम ये देखने में क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये करने क्या वाला है, अपना अपना फेस बदल कर क्या करेगा, कैसे कैसे चीजें वो प्लान कर रहा था, तो ये स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जैसा दिखाया गया जैसे लास्ट की एंडिंग दिखाई गई गुड़ गोबर कर देता है सारा का सारा। मेरी तरफ से इस एपिसोड को मैं देने जाऊंगा 1 out of 10 सर। और अब आते हैं थर्ड एपिसोड के ऊपर, जो कहूं मैं यही एक एपिसोड है जो आप लोगों को रिकमेंडेड कर सकता हूं देखने के लिए, जो थर्ड एपिसोड जिसका नाम है हंगामा क्यों बरपा, ये इसका नाम है। तो इस एपिसोड के अंदर जो मेन रोल में आपको नजर आएंगे मनोज वाजपेयी और गजराज राव। मनोज वाजपेयी सर इसके अंदर एक मुसाफिर अली नाम का एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो एक ट्रेन में यात्रा करते हैं। ट्रेन में यात्रा करते वक्त इन्हीं के इसके बोगी के अंदर एक और व्यक्ति इनके आगे मिलते हैं, जग्गा पहलवान ऐसा करके होता है, बेग साहब जिसको अपना दूसरा नाम बताते हैं, जिसको प्ले किया है गजराज राव सर ने। अब ये दोनों एक ही बोगी के अंदर ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, जब मुसाफिर अली को याद आता है कि ये पहली बार इस ट्रेन में नहीं मिल रहे हैं, इससे पहले ये मिल चुके हैं, 10 साल पहले ये मिल चुके हैं, यानी मुसाफिर अली को ये पता चलता है कि इनका जो पास है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब वो उनकी क्या चीजें हैं वो तो देखो आप जब एपिसोड देखोगे तभी पता चलेगा। और सच कहूं ये वाला जो एपिसोड देखा दिल खुश हो गया, क्योंकि इसको देखकर काफी सारी जो कन्वर्सेशन इसके अंदर दिखाई गई है मुसाफिर अली और बेग साहब के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसको देखकर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, मतलब फेस पर स्माइल आ जाएगी, दिल से खुश हो जाओगे ये एपिसोड
एपिसोड देखकर। और सच कहूं, जैसा मैंने कहा, यही एक एपिसोड है जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगी, कॉमेडी मिलेगी, और इसी को मैं आप लोगों को रिकमेंडेड कर सकता हूं। मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। सर काफी अच्छी इसके अंदर परफॉर्मेंस की गई है और अच्छा है यार, स्टोरी वाइज भी अच्छा है, कॉमेडी भी है, मतलब जो आप इसके अंदर परफॉर्मेंस देखोगे ना, जो बहुत ज्यादा पसंद आई मुझे, काफी ज्यादा अच्छा लगा। पर अब आते हैं चौथे एपिसोड, जो सबसे बड़ा कचरा है इस सीरीज का, मतलब इतना वाहियात, इतना घटिया एपिसोड यार भाई, मतलब वो सर में दर्द कर दिया यार इस चीज ने। इसका नाम है स्पॉटलाइट, जिसमें आपको मेन रोल में नजर आएंगे हर्षवर्धन कपूर, जो कि एक विक नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। काफी ज्यादा मुझे ये इरिटेटिंग लगा था ये नाम यार, विक काफी टाइम से तो मुझे याद ही नहीं हुआ ये कहना क्या चाह रहे हैं, विक नाम है क्या कोई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फोर्थ एपिसोड आप लोगों को बताऊं कैसे इसके अंदर स्टोरी क्या है, क्योंकि यार इसमें स्टोरी तो ही नहीं है यार, क्या क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पका रखी है इसके अंदर। दर्द कोशिश करता हूं, विक जो है वो एक होटल के अंदर जाते हैं और वहां पर जैसा इसके अंदर इसको करेक्टर दिखाया गया कि ये बहुत ज्यादा अपने लुक को लेकर पोसेसिव है, अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा मानता है अपने लुक की वजह से, और ये लगता है कि सभी लोग इसके फैन है। लेकिन ये जिस होटल में जाता है वहां पर एक जो सेल्फ मेड गुरु, यानी एक जो महिला है जिसको सभी लोग दीदी दीदी कह रहे हैं, इसको छोड़कर, इस एक्टर को छोड़कर सारे के सारे उसी लेडी के पीछे भागने लग जाते हैं जिसको ये दीदी दीदी कह रहे होते हैं। तो ये एक विक जो है वो एक तरीके से एक्टर दिखाया गया है इसके अंदर, तो ये इसको लगता है कि यार मैं एक्टर होकर भी मेरी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक जो सेल्फ मेड गुरु इसके अंदर दिखाई गई है, उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म के पीछे मत जाओ, मतलब कि धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, इस देश में ऐसे लोग हैं जो धर्म के पीछे तुम्हारा कत्ल कर देंगे, धर्म काफी बड़ा है, तुम काफी छोटे हो। तो इलॉजिकल चीजें इसके अंदर जैसे दिखाया जा रहा था, मतलब इतना बुरा लगा मुझे वो देख कर, इतने बुरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, कहीं पर भी कोई लॉजिक नहीं है। मुझे लगता है कि जो इसके मेकर्स होंगे उन्होंने यही सोचा होगा कि भैया आप लोगों के लिए होटल बुक करवा लिए एक्टर एक्ट्रेस जो भी थे इसके अंदर, कि आप जाओ, इसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप जो भी, मतलब डायरेक्टर नहीं कहूंगा, जाओ जो मर्जी करना है आपको इस होटल के अंदर कर लो, सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लास्ट में आप लोगों की फुटेज लगेंगे, एडिट वेडिट करके उसको जैसे तैसे आपको मतलब जनता को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि भारत की जनता कचरा देख ही रही है, एक और कचरा देख लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस एपिसोड के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि यार इतना ज्यादा वाहियात, इतना घटिया एपिसोड देखा ना, इसके बाद इतना सर में दर्द हुआ, मतलब मुझे सोना पड़ा 1.5 घंटे के लिए, मुझे आराम देना पड़ा अपने दिमाग को कि अरे क्या देख लिया है मैंने। अगर 0 से भी नीचे कोई स्टार होता ना तो इसको ये दे देता, इतना बेकार एपिसोड बना है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लगी, और सच कहूं मैं, आप 3 जो एपिसोड है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर आप अपने सर में दर्द नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल इग्नोर करें उन चीजों को। एक ही एपिसोड है जो 3rd एपिसोड है, आप उसको बेशक देखें, काफी अच्छा है, कॉमेडी वाइज भी एंटरटेन भी हो जाएंगे उसको देखकर। तो जिन्होंने देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा इसके अंदर, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो वीडियो समझ में आ गई होगी आपको कौन सा देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।